ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज हम भगवान सद्गुरु की कृपा से श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का 5वां श्लोक ले रहे हैं। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को निराकार साधना की कठिनाई के बारे में बताते हैं। क्लेशो अधिकतरस्ते मव्यक्ता सक्त चेतसा अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्धीरवाप्यते। क्लेशः अधिकतरः तेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गति दुःखं देहवद्धि अवाप्यते। तेषां यनियुन अव्यक्तासक्त चेतसाम् जो अव्यक्त अर्थात निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले हैं। क्लेशा यानी परिश्रम अधिकतर यानी विशेष है ही यानी क्योंकि देहबद्धि यानी देह देहाभिमानियों के द्वारा देह में बंधे होने के कारण अव्यक्ता अव्यक्त विषयक गति यानी उस तरफ जाना उस तरफ गति करना व्यक्ता दुखम यानी दुख पूर्वक अवाप्यते यानी प्राप्त की जाती है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन सुन जो सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुष हैं साधक हैं उस साधन में परिश्रम बहुत ज्यादा है बहुत विशेष है क्योंकि जो देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति बहुत दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के और आकाश गंगाओं के जो एकमात्र मालिक हैं जो उसके आधार हैं जो उसके अधिष्ठान हैं जो उसके धारण करता है वो अर्जुन को
सगुण और निर्गुण साधना के बारे में बता रहे हैं। हमारे समाज में बहुत बड़ी भ्रांति है, हमारे समाज में ये बहुत बड़ी भ्रांति है। हम ये सोचते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इत्यादि जो धार्मिक स्थल हैं, उनकी उनमें पूजा करना, पाठ करना, ये करना, ये सगुण साधना है। नहीं, आपके पास यदि कोई ब्रह्मवेत्ता जीवित सदगुरु हो और उसके मार्गदर्शन में आप परमात्मा की ओर चलें, तो ये है सगुण साधना। आप बहुत ज्यादा दुर्गा, काली, अन्नपूर्णा, पार्वती, सीता इत्यादि की पूजा करने को जाते हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे मालूम है कि इसकी जगह यदि आप अपनी माता, अपनी बहन, अपनी भाभी, अपनी भुआ और अपनी पत्नी के अंदर अगर पूज्य भाव रखकर उनकी पूजा करेंगे, जैसे नवरात्रि में हम नवरात्रि में जब नवमी होती है तो हम कन्याओं का भोजन कराते हैं, कन्या भोज करते हैं, उनके पैर धोते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, दक्षिणा देते हैं। अगर तुम्हारे अंदर अपनी माँ, भुआ, बहन, इनकी पूजा का भाव, पिता, काका, इनके प्रति पूजा का भाव हो, तो समाज में ये तुम उस मंदिर और वगैरह से ज्यादा इससे आपको लाभ होगा। लेकिन ये सगुण साधना भी नहीं है, ये तो सामाजिक सम्मान और मर्यादा का विषय है। जब ये ही सगुण साधना नहीं है तो इसके नीचे वाली साधना क्या होंगी? सगुण साधना, तो सगुण साधना का मतलब है कि जिसमें गुण है, ऐसे देह को जो सतगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुणों से युक्त होकर भी उन गुणों के पार निर्गुण अवस्था में खड़ा होने की योग्यता रखता है, ऐसा सतगुरु, उसके मार्गदर्शन में जब हम साधना करते हैं तो इसको सगुण साधना कहते हैं। प्यारे बच्चों, सतगुरु कौन है और सतगुरु कौन नहीं है, इसका निर्णय आप किसी भी मापदंड से नहीं कर पाओगे। बड़ी खुशकिस्मती है आपकी, बड़ा सौभाग्य है आपका कि आप कई जन्मों में परमात्मा के लिए रोते रहे, तब कहीं आके आपको परमात्मा ने कृपा करके और सद्गुरु की व्यवस्था की है। क्यों भैया? अगर तुम सद्गुरु को जानते हो तो जिनके दिल्ली में दरबार लग रहे हैं, 3,500-3,000 रुपए लेकर जो दरबार में प्रवेश देते हैं और कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी, अभी मैंने इंटरनेट पर एक मैंने चुटकुला देखा, लाइव चुटकुला था एक महात्मा का, महात्मा तो कहना, मैं तो सोचता हूँ महात्मा कहना अच्छा नहीं है, एक बाबा का। वो बाबा पूछता है, एक भक्त पूछता है, बाबा जी मेरे को कृपा कब आएगी? तो भक्त को से वो पूछता है, उल्टा बाबा पूछता है कि भाई आप कौन से देवता को मानते हो? तो उसने कहा मैं भैरू जी को मानता हूं। तो उसने पूछा भैरू जी को तो वाइन चढ़ती है? तो उसने कहा हाँ बाबा जी। तो तुमने कब चढ़ाई थी? तो बोले मैंने अभी 6 महीने पहले चढ़ाई थी। तो बाबा जी पूछते कौन सी ब्रांड की चढ़ाई थी? तो वो भक्त कहता है कि मैंने फलाने ब्रांड की चढ़ाई थी। तो बाबा जी पूछते आप कौन सी पीते हो? तो बोले मैं तो यही पीता हूं। तो बोले आप और अपने आप को भैरू जी के बराबर कर रहे हो क्या? इससे ऊंचा ब्रांड चढ़ाओ तो आप पर कृपा आएगी। ऐसे लोगों के समाज में इतनी इज्जत है, ऐसे लोगों की समाज में इतनी मान्यता है, ऐसे लोगों की समाज में इतना चलन है, आप अखबार खोल के देख लो, मेरा काटे को कोई काट नहीं सकता, फलाने बाबा, फलाने अघोरी बाबा। हमारे यहां दैनिक भास्कर में
और नई दुनिया जो पेपर आते हैं इनमें इनके एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि लोग ब्रह्मज्ञानियों की आलोचना करते हैं, इन लोगों के पीछे नहीं कोई पड़ता है। इसलिए तुम ब्रह्मवेत्ता ज्ञानियों को नहीं पहचान सकते, क्योंकि तुम्हारी पहचान तो सिर्फ ऐसे बाबाओं तक है। तुम्हारे पास ऐसी कसौटी, ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि तुम किसी सतगुरु को पहचान सको। अगर तुम कहो कि सतगुरु धनवान नहीं होना चाहिए, तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या जनक सतगुरु नहीं थे जिन्होंने सुखदेव जी को दीक्षा दी और ज्ञान कराया? अगर तुम सोचते हो कि सतगुरु धनवान नहीं होना चाहिए, तो राम और कृष्ण क्या सतगुरु नहीं थे, ब्रह्मवेत्ता नहीं थे? क्या वशिष्ठ ब्रह्मवेत्ता नहीं थे जिनके आश्रम में ऐसी गाय थी, नंदिनी गाय थी, कि जिसको कि इंद्र तक लेने को तरसता था, जो तीनों लोकों का राजा था, उसके पास जो चीज नहीं थी वो वशिष्ठ ऋषि के पास थी। तो तुम्हारा ये मापदंड गलत है कि ज्ञानी के पास संपत्ति नहीं होना चाहिए। अरे तुम कंगले फुकड़े को पूछोगे कैसे? एक सड़क पर बैठा हुआ कोई फटे कपड़े पहन के कोई व्यक्ति अगर ज्ञानी बैठा हो, तो तुम्हारी श्रद्धा टिकेगी कैसे? तुम टिक जाओगे वहां, बैठ जाओगे क्या जाके? कभी कदापि नहीं बैठ सकते हो, उसको भिखारी समझ के आगे बढ़ जाओगे। ज्ञानी के पास इतना तो होना ही चाहिए ना कि वो किसी एक जगह बैठ के प्रवचन दे सके। ज्ञानी के पास इतना तो होना ही चाहिए कि यदि ज्ञानी इंटरनेट पर अपने प्रवचन रिकॉर्ड कराता है, तो उसके पास एक रिकॉर्ड रूम तो होना चाहिए ना। चलिए अगर तुम कहते हो कि ज्ञानी क्रोधी नहीं होना चाहिए, तो क्या दुर्वासा अज्ञानी थे? क्या परशुराम अज्ञानी थे? क्या भगवान नरसिंह अज्ञानी थे? क्या भगवान कृष्ण अज्ञानी थे जिन्होंने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का गला काटा? तुम सोचते हो तुम्हारे मापदंड बहुत अधूरे छोटे हैं। तुम सोचते हो कि ज्ञानी लंगोटी ही लगा के रहना चाहिए, क्या गौतम बुद्ध ने कपड़े नहीं पहने? वो ज्ञानी नहीं थे। अगर तुम सोचते हो कि ज्ञानी केवल दूध ही पीना चाहिए, तो फिर बछड़ा ज्ञानी हो जाना चाहिए। तुम सोचते हो कि ज्ञानी केवल फल ही खाए, तो फिर तो मुझे लगता है कि बंदर ज्ञानी हो जाना चाहिए। तुम अगर सोचते हो कि ज्ञानी केवल मूंग की दाल और दलिया ही खाए, तो इसका मतलब यह है कि अस्पताल में जितने भर्ती हुए मरीज जो मूंग की दाल, दलिया और दूध ही ले रहे हैं, वो सब ज्ञानी हो जाना चाहिए। तुम्हारे मापदंड तुम्हारे मन से आते हैं, तुम्हारे मापदंड तुम्हारे अंतःकरण से आते हैं, तुम्हारे मापदंड तुम्हारे अंतःकरण की अभिव्यक्ति है। तुम्हारे पास ज्ञानी को पहचानने का कोई भी मापदंड नहीं है, है ना? और भी कई बातें हैं जो ज्ञानी के विषय में तुम्हारे तुम्हारे मन में गलत धारणा है ज्ञानी के विषय में। मैं आपको रामचरितमानस का उदाहरण देता हूं। जब नारद भगवान राम से मिलने आए, उत्तरकांड की बात है और लवकुश कांड में भी है, तब आया है विविध भांति भोजन करवावा, तब मुनिवर मन अति भावा। विविध प्रकार का भोजन नारद जी को भगवान राम ने कराया। क्या नारद ज्ञानी नहीं? क्या जो देवता के देवर्षि हैं, जो ध्रुव और प्रहलाद के गुरु हैं, जिनका नाम लेते ही अंदर पवित्रता छा जाती है, जो दिव्य सदगुरु हैं, क्या वो ज्ञानी नहीं? ये पागलपन कब छोड़ोगे? ज्ञानियों को नापने चले हैं, अपने को तो नाप नहीं पाए, अपने को तो जान नहीं पाए हो, ज्ञानियों को जानने चले हो।
ये तुम्हारे मन बुद्धि चित्त का भ्रम है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं चाहूंगा कि तुम अखबार में वो विज्ञापन पढ़ो, उन बाबाओं के पीछे लगो तो ज्यादा ठीक रहेगा। मैं चाहता हूं कि तुम निर्मल बाबा के दरबार में चले जाओ और उनसे कहो कि तुम गलत कर रहे हो तो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन कोई व्यक्ति परमात्मा का सच्चा मार्ग अगर दिखा रहा है, उसका सहयोग ना करो वो कोई बात नहीं, पर उसके उसके प्रति मन में विरोध ना लाओ। ये बात मैं उन लोगों को कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों को कह रहा हूं, किसी एक व्यक्ति दो व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, जो बड़े बड़े अत्याचारों और बड़े बड़े ढोंगों को तो नजरअंदाज कर देते हैं, वो चूंकि ज्ञानी उन जैसा शक्तिशाली नहीं है, उनके पास 500,000, 2,000, 30,000 करोड़ रुपए नहीं है। ज्ञानी के पास छोटी सी कुटिया है, ज्ञानी के पास एक छोटा सा मकान है जहां पर अतिथियों को ठीक से ठहराया नहीं जा सकता। ज्ञानी के आसपास जो लोग रहते हैं वो घोर अज्ञानी हैं। उनसे प्रभावित होकर किसी भी भक्त की जो जिज्ञासा है उस पर कुछ आघात हो सकता है। इसलिए जैसे माँ अपने बच्चों को खतरों से बचा के रखती है, ऐसे ज्ञानी भी अपने जिज्ञासुओं को बचा के रखते हैं। हमारा मुख्य काम है तुमको ध्यान कराना, हमारा ये काम नहीं है कि हम तुम्हें हमारे जीवन के उन परेशानियों में शामिल कर लें जिनके कारण तुम्हारे अंदर अश्रद्धा हो जाए और तुम ज्ञान प्राप्त ना कर सको। इसलिए कभी कभी मां अपने बच्चों से अपने बर्तन को छुपाती है, क्योंकि मां को पता है कि भोजन कम है, बच्चों को कराना है, खुद भूखी सोना चाहती है वो। इसलिए मां बर्तन को बार बार ढककर बच्चों को भोजन परस देती है और बाद में खुद पानी पी के सो जाती है। तुम्हें पता नहीं है बच्चों कि जिसे तुम ठग कह रहे हो वो आदमी पूरा जीवन अभावों में गुजार कर इस ज्ञान को संभाल के यहां लाया है। 8 गुरुओं के झूठे बर्तन और माजकर और कपड़े धोकर उनकी कुटिया में गोबर को लेप कर उनके साथ बैठकर मच्छर और कीड़ों के बीच में वो मच्छर कीड़े काटते रहे उनको सुनकर, जिसने जो बताया वो करके बड़ी मुश्किल में और एक किसी ऐसे गुरु से ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है जिस गुरु का नाम भी आपको नहीं बता सकता और जिस गुरु को जो गुरु भी ये नहीं कह सकता, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूं। यदि किसी गुरु में अपना नाम बताने का साहस ना हो तुम लोगों को तो मैं क्या करूं। इतनी मजबूरी के बाद भी तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की आत्मज्ञान की शिक्षा में दे रहा हूं और तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर भी दे रहा हूं ताकि तुम्हारे मन में कोई भ्रांति न रहे। मैं किसी को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं बोलता, तुम्हें क्या पता। जिस दिन मैं अपना जीवन चरित्र लिखूंगा उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना भटक के, कितने कर्म कांड, कितने उपासनाएं, कितनी पूजाएं, कितने व्रत, कितनी तपस्या, कितने योग, कितने योगों की भूचरी चाचरी अगोचरी खेचरी आदि मुद्राएं करके, कितने करोड़ों मंत्रों का जाप करने के बाद जब उसकी निस्सारता का मुझे बोध हुआ, तब इस ब्रह्म ज्ञान के इस साक्षी के ध्यान में मैंने खुद इसके द्वारा, साक्षी के ध्यान के द्वारा यह ज्ञान प्राप्त किया। अब ये प्रश्न नहीं उठता कि मैं उस गुरु को लज्जित करूं जो नहीं चाहता कि मेरा नाम बताया जाए किसी को, लेकिन मजबूर करना चाहते हैं कुछ कि नाम ही बता दूं जिस गुरु ने यह आज्ञा दे रखी है कि मेरा नाम मत बता। मैं अपनी गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। मेरे प्रिय मित्रों, जो अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना करता है वो सगुण साधना नहीं कर सकता,
सगुण साधना वो है जो अपने सदगुरु सगुण होते हैं, उन सदगुरु के चरणों में बैठकर उनके मार्गदर्शन में, उनके द्वारा सिखाई गई पद्धति में चलकर ज्ञान को प्राप्त करता है। ये बहुत आसान है, लेकिन यहां इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि निर्गुण साधना बहुत कठिन है, और निर्गुण साधना की कठिनता का एकमात्र उदाहरण है भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ने किसी को गुरु नहीं बनाया। भगवान बुद्ध चल गए, रात को निकल गए, निर्जन वन में जाके बैठ गए, वट वृक्ष के नीचे, वहां से उठे नहीं, अंतर अन्वेषण किया, और ये साक्षी उनको अस्तित्व ने, परमात्मा ने अपने आप दिया, जिसको उन्होंने विपस्सना का नाम दिया। ये बिल्कुल वैसी साधना है जैसी विपस्सना में की जाती है, लेकिन विपस्सना को जानने वाले लोगों ने केवल विपस्सना का पहला चरण जाना है, इसके बाद वो ध्यान के बाद जो भान अवस्था आती उसको नहीं जाना। मेरे प्यारे मित्रों, जिनकी अव्यक्त चेतसा, जिनकी अव्यक्त परमात्मा में चेतना होती है, जो पर अव्यक्त परमात्मा से प्रेम करते हैं, जो किसी मनुष्य को गुरु नहीं बनाना चाहते, जो किसी देवी देवता का पूजन नहीं करना चाहते, जो किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं जाना चाहते, उनको ये पता है परमात्मा हर जगह भरा है, तो वो सोचते हैं, उनको पता है कि परमात्मा तो मेरे अंदर भी होगा। तो जो स्वयं अप दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों को साधना करना बहुत कठिन है, इसका भगवान यहाँ बोध करा रहे हैं इस श्लोक में। बुद्ध के बाद मैं नहीं जानता कि कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसने परमात्मा को बिना गुरु के प्राप्त किया हो। अगर आप कहें कि बुद्ध के जो बाद में अनुयायी हुए, आनंद हुआ या कोई भी उनके अनुयायी हुए, उन लोगों ने परमात्मा को उसी मार्ग से प्राप्त किया, तो मैं इस बात को इसलिए स्वीकार नहीं करूंगा कि बुद्ध थे वहां सगुण साधना के लिए, निर्गुण नहीं रही अब साधना। यदि तुम्हारी साधना में कोई सदगुरु का समावेश हो तो वो साधना निर्गुण नहीं होती, सगुण होती है। ऐसे ही एक उदाहरण मुझे नहीं मिलता, लेकिन एक उदाहरण लोग देते हैं कि एक अभी 90 के दशक में कोई गुरु हुए हैं, नाम नहीं बताऊंगा, बहुत कंट्रोवर्सियल व्यक्ति थे, उनकी कंट्रोवर्सी थी काफी, मुझे उनसे ना जोड़ा जाए, मैं उनकी तरह उच्छृंखल व्यवहार का समर्थक नहीं। कहते हैं कि उन्होंने किसी को गुरु नहीं बनाया, लेकिन ये बात गलत है। वो कृष्णमूर्ति से प्रभावित थे, वो कई गुरुओं के पास गए, उठे बैठे, उन्होंने जैसे मधुमक्खी की आदत होती है, हर पुष्प से थोड़ा थोड़ा रस लेती है, उन्होंने थोड़ा थोड़ा रस लिया, उन्होंने हजारों पुस्तकों का अध्ययन किया, परमात्मा से उनको बहुत बड़ी तर्क शक्ति प्राप्त थी, बोलने का बड़ा गजब का तरीका उनका था, देश विदेश में उन्होंने हजारों लोगों को अनुयायी बनाया, लेकिन वो भी इस सगुण साधना के कसौटी वाले सदगुरु नहीं थे। क्षमा चाहता हूं, वो भी निर्गुण साधना की कसौटी वाले सदगुरु नहीं थे, वो भी सगुण साधना वाले ही थे। इसलिए बुद्ध के बाद कोई हुआ नहीं, और भगवान यही कह रहे हैं इस श्लोक में कि अर्जुन, यदि अव्यक्त चेतसा सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाला कोई व्यक्ति होगा तो उसको यह पद बड़े क्लेश से, बड़े परिश्रम से, बड़े कष्ट सहन करके प्राप्त होगा। और जैसे मैंने कल बताया था,
यदि कोई व्यक्ति जब मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और एमएस और एमडी की डिग्री लेकर निकल जाता है तो वो अपने गुरुजनों को कभी मिल जाए तो नमस्कार प्रणाम कर लेता है, लेकिन वो अपनी खुद की प्रैक्टिस, अपना खुद का क्लिनिक चलाता है, अपने खुद का नर्सिंग होम चलाता है। ये मेरा नर्सिंग होम है, ये मेरा क्लिनिक है ब्रह्म ज्ञान का, ये मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा और मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि कोई भी सदगुरु उनके शिष्यों को अपने अलावा किसी के पास जाने के लिए कभी प्रेरित नहीं कर सकते। इसलिए वो युक्ति के द्वारा कुछ कहकर, कुछ समझाकर, कुछ बताकर अपने शिष्यों को अपने पास रखते हैं और उसमें कोई बुराई भी नहीं। तो जो सदगुरु हैं वो जब किसी शिष्य को, किसी जिज्ञासु को मार्गदर्शन करते हैं और उससे वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है तो वो सगुण मार्ग है, निर्गुण नहीं है। क्योंकि सदगुरु के अलावा, सदगुरु से अच्छा, सदगुरु से ऊंचा, सदगुरु से ज्यादा कोई भी न देवता हो सकता है, ना ब्रह्म हो सकता है, ना ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं हो सकते, क्योंकि सदगुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। इसलिए सदगुरु की मौजूदगी में जितने भी लोग साधना करते हैं वो सब साधुवाद के पात्र हैं, आदर के पात्र हैं, प्रेम के पात्र हैं, उनसे कोई घृणा करने का प्रश्न और सवाल ही नहीं उठता, कभी नहीं। एक और बात है, जिन लोगों को सदगुरु नहीं मिलते, जिनके इतना, जिनका सौभाग्य नहीं, जिनका इतना अस्तित्व की, जिन पे इतनी कृपा नहीं हुई कि सदगुरु नहीं मिले, क्यों? अस्तित्व की कृपा के बिना सदगुरु नहीं मिलते। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, भगवान की कृपा के बिना कभी संत नहीं मिलते। जैसे हनुमान जी को विभीषण ने कहा, विभीषण ने हनुमान जी से कहा और हनुमान जी ने विभीषण से कहा कि तुम राम दीस अधीन कि तुम राम दास अनुरागी आयो करण मोह बड़भागी, कि तुम हरिदासन में कोई मेरे हृदय प्रीति अस होई। कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति जो होता है, परमात्मा सदगुरु का भक्त होता है, उसको देखकर पता लग जाता है कहीं ये परमात्मा का, सतगुरु का भक्त है, उसके अंदर द्वेष नहीं होता। और द्वेष यदि हुआ तो तुम परमात्मा सतगुरु के भक्त नहीं, बल्कि तुम तुम्हारे मन के भक्त हो। वो तुम्हारा मन तुमको बेवकूफ बना रहा है, तुम्हारा मन तुम्हें ऐसा कृत्य करा रहा है जो तुम्हें नहीं, कभी स्वप्न में भी नहीं करना। इसलिए सदगुरु का भक्त कभी किसी से द्वेष नहीं रखता। तो मेरे प्रिय मित्रों, ये जो भगवान कह रहे हैं कि जो क्लेश होता है, जो परिश्रम होता है, जो विशेष मेहनत होती है, वो इतनी ज्यादा है निर्गुण साधना में कि वहां आपका कोई आलंबन नहीं, वहां कोई आप बुद्ध के समान, वहां कोई आपका गुरु नहीं, वहां कोई साधना नहीं, बस बैठो, बैठे जाओ। अगर अस्तित्व की कृपा हुई, ये बुद्ध का की संबोधि हुई थी जब वो कोई बहन उनको खीर का एक कटोरा खिलाया, तब उनको इतने महीनों के बाद भूखे प्यासे थे, तब उस कटोरा खीर खाने से जो ऊर्जा आई तो उस उन्होंने देखा कि नहीं, जीवन में एक संतुलन की आवश्यकता, और एकदम उनके अंदर घटना घटित हो गई और उनको ज्ञान हो गया। ज्ञान तो कैसे भी हो सकता। मैंने एक मित्र को ब्रश करते करते ज्ञान हो गया, मेरे एक मित्र को घर में बैठे बैठे ज्ञान हो गया,
मेरे किसी मित्र को, जैसे वो अमेरिका में बैठा है और वो वहां जाकर जो है उसको ध्यान लग जाता है, उसके उसका मन रुक जाता है, थम जाता है, वो ज्ञान भले ना हुआ हो लेकिन मन रुक जाता है। बताइए जो व्यक्ति अमेरिका में बैठा है, जिसका भोजन भी ठीक नहीं है, जिसका जीवन भी ठीक नहीं है, जिसका परिवेश भी ठीक नहीं है, जिसका शाकाहारी भोजन नहीं है, जहां शराब इत्यादि का चलन है, जहां डांस किए जाते हैं, जहां स्त्री पुरुष के साथ व्यवहार अलग ढंग का है, वहां वो व्यक्ति 2-3 महीने 4 महीने के साधना करके और इंटरनेट के द्वारा, स्काइप के द्वारा उसको ध्यान घटित हो गया। कितनी बड़ी बात है, इतना ही बहुत है। अब उसको ध्यान घटित हो गया, अब वो भले मुझे छोड़ गया, चला गया, कोई बात नहीं। ये जो ध्यान घटित हुआ है, इस ध्यान की घटना से उसका जन्म भारत में किसी अच्छे परिवार में होगा। सुचिनाम श्रमताम गेह योग भ्रष्टाभिजायते। इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं। कोई कहीं भी बैठा है पूरे विश्व में और यदि वो मेरे मार्गदर्शन में ध्यान कर रहा है, आप निश्चित समझिए उसकी गति ऊपर की तरफ होगी, वो अधोगति निम्न गति में नहीं जाएगा। भगवान कहते हैं कि निर्गुण साधना बहुत कठिन है। हाँ कठिन है, हाँ कठिन है। रामचरितमानस कहता है कि ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश न लागहिं भारा। तलवार पर चलने जैसा है अगर कोई सदगुरु ना हो तो। जिंदगी कि ये परिस्थितियां तलवार के धार के समान है, अब कटे कि तब कटे, कटे ही जाते। जरा पैर फिसला, तलवार पर कोई चले तो कैसे चले। मन मनमाना सोचता है, कुछ भी मन में आता है, काम आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आता है, ईर्ष्या आती है, जलन आती है, दंभ आता है, पाखंड आता है, अपने आप को बड़प्पन, दूसरे को नीचा समझने की वृत्ति आती है, बह जाता है आदमी। ये तलवार की धार है, इससे बचना है तो सदगुरु चाहिए। तभी कहा है कि जो ब्रंच संकर सम होई बिन गुरु भव निधि तरे की कोई। अगर आप में इतना ज्यादा भी सामर्थ्य आ जाए तो भी बिना सदगुरु के आप तर नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भगवान कह रहे हैं कि इसमें परिश्रम विशेष है अर्जुन, इसलिए कठिन है, तो उस मार्ग को मत पकड़। मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तू सगुण साधना कर। जहां जहां भगवान ने कहा है मुझ, वहां वहां समझना कि वो सदगुरु के लिए कहा है उन्होंने। जहां वहां भगवान ने कहा है माम, वहां वहां समझना कि सदगुरु के लिए कहा है। जहां जहां भगवान ने कहा है अहम मैं, वहां वहां सदगुरु के लिए कहा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भगवान का शरीर हमेशा अर्जुन के सामने था ऐसा रहेगा। अगर ऐसा है तो कितने करोड़ों लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सबको भगवान का दर्शन हो जाना चाहिए। हो सकता है, लेकिन मीरा जैसा बने कोई तो, और मीरा जैसा बनना तो संभव नहीं, बहुत कठिन है। तो इसकी कठिनता निर्गुण साधना की इसलिए ज्यादा होती है कि सदगुरु नहीं है इसमें, और सदगुरु है तो वो निर्गुण नहीं है, फिर सगुण है। भगवान कहते हैं आगे कि देह बद्धि, देह अभिमानियों के द्वारा, देह अभिमानियों के द्वारा, ये तुम सब कुछ कर लोगे, चलो मान गए, तुम ध्यान कर लोगे, बैठ जाओगे, ये चक्र वो चक्र, फलाना ठिकाना व्रत उपवास सब कर लोगे, यस बैठोगे बैठोगे बैठोगे, लेकिन भैया एक बात बताओ, ये देह का अभिमान कैसे छोड़ोगे। अभी तो कोई जरा सा तुमसे रूखा तीखा बोलते, देह का अभिमान आ जाता है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, उससे आपको सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। एक बार औरंगजेब ने बहुत सारे लोगों को, फकीरों को बुलाया, क्योंकि एक नई मस्जिद का उद्घाटन था दिल्ली में, एक नई मस्जिद का उद्घाटन था, औरंगजेब ने फकीरों को बुलवाया। उसमें
उनमें से एक फकीर आया जो मस्त कलंदर था, यानी परमात्मा के प्रेम में इतना ज्यादा डूबा था कि उसको बादशाह से कोई मतलब नहीं था, और वो जानता था औरंगजेब को ठीक से। औरंगजेब ने तकरीर में तकरीर की और पूछा, उन्होंने प्रश्न किया फकीर से, फकीरों से कि अल्लाह कहां है, खुदा कहां है। तो कहा, किसी ने कहा सातवें आसमान में, किसी ने कहा कि जन्नत में है, किसी ने कहा कि उधर है पुलसरात के आगे है, किसी ने कहा कि वो तो खुदा तो जो है वो उसकी मंजिल और मुकाम ही अलग है, किसी ने कहा कि वो हजरत इब्राहिम का जो मुकाम है उससे आगे है। सबने अपनी अपनी बात कही, लेकिन जब उस फकीर का नंबर आया तो उसने कहा तेरा खुदा मेरे पैर के नीचे है। महफिल में तो सन्नाटा छा गया, काटो तो खून नहीं, ऐसा बादशाह जल्लाद जो आंख से देखता बाद में पहले गर्दन कटवा देता, उससे कह दिया कि तेरा खुदा मेरे पैर के नीचे है। बड़ी तोहीन हो गई, क्योंकि खुदा और पैर के नीचे। औरंगजेब ने तुरंत फरमान जारी किया इस नाम माकूल नाम मुराद का सिर काट दिया जाए, और वैसा ही हुआ कि सिर काट दिया गया। उसका सिर जब लुढ़कता हुआ सीढ़ियों से जमुना की ओर जा रहा तो जमुना का पानी बढ़ गया, दिल्ली में बाढ़ आ गई। औरंगजेब परेशान हो गए, क्या किया जाए। जब कामिल मुर्शिदों ने कहा कि तुमने जो किया वो गलत किया, जहां वो फकीर खड़ा था वहां खोदो, देखो क्या है। जब वहां खोदा गया, देखा गया तो वहां दफीना निकला, खजाना निकला, सोने के सिक्के, हीरे और जवाहरात निकले। औरंगजेब खुश हो गया। जैसे ही औरंगजेब खुश हुआ तो एक कामिल मुर्शिद ने कहा वो फकीर जानता था कि तेरा खुदा पैसा है, इसलिए उसने कहा था कि तेरा खुदा मेरे पैर के नीचे। तुम कहां परमात्मा को चाहते हो रे, तुम तो इंद्रियों के विषयों को चाहते हो, तुम्हें कहां परमात्मा की इच्छा है। आज इंटरनेट पर 2011 से निरंतर मैं पोस्ट डालता हूं और प्रवचन देता हूं। आज मुझे इंटरनेट से 30 लोग भी मिले नहीं, और 385,000 लोगों ने मेरे वीडियो देखे हैं गूगल प्लस पर, और 36,000 लोगों ने YouTube पर मेरे वीडियो देखे हैं, व्यूवर्स हैं, और 199 सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन दिल्ली के ध्यान शिविर में 25 लोगों का जुटना भी मुश्किल हो गया। अगर मैं लोगों को ठग रहा होता तो क्या बात थी, निर्मल बाबा का दरबार अपने यहां भरा होता। लेकिन मैं जानता हूं कि इनका खुदा जो है वो पैसा है, इनका खुदा जो वो वासना है स्त्री है, इनका खुदा इनके बच्चे हैं, इनका खुदा इनका जॉब है, इनका खुदा इनका अहंकार है। मीठी मीठी बातें करो तो बहुत खुश हो जाएंगे। इनके देहाभिमान से ये छूट नहीं सकते। इनको झूठा ही बोल दो कि तुम बड़े सुंदर हो, बड़े खूबसूरत हो, बड़े अच्छे हो, ये खुश हो जाएंगे। और इनको कह दो कि अरे तुम्हारे मन में तो भूसा भरा हुआ है, तुम्हारा दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि इनका खुदा इनका अहंकार है, इनका परमात्मा इनका अहंकार है। इनको ज्ञान नहीं चाहिए, इनको अपने अज्ञान की नींद में और ज्यादा थपथपा के सुला दो, लोरी और गा दो तो ये तुमको सब कुछ दे देंगे। लेकिन तुमको अगर तुमने इन्हें ज्ञान से इन्होंने इनको सच्चाई से रूबरू किया, अगर सच्चाई इनके सामने रखी तो ये तुम्हारे जान के दुश्मन हो जाएंगे। ये तुम्हें जिंदा हूं यही बहुत बड़ी बात है, ये तुम्हें जिंदा हूं यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज्ञानियों को तो तुमने मार दिया, जैसे औरंगजेब ने उसको मार दिया था ज्ञानी को। इसलिए तुम्हारी जो देहाभिमानियों, अगर देहाभिमानी है और अव्यक्त ब्रह्म निराकार ब्रह्म की साधना करते हैं तो कैसे उनको निराकार ब्रह्म की साधना सफल होगी। पहले ही क्लास से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, अपना देहाभिमानी नहीं छोड़ पाएंगे। जैसे अपन गाते हैं
सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू देह माना जीव माना बन गया देह में दीवाना। देह में तो दीवाने हो। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज कहते थे, उनकी उनकी जो है सीढ़ी 7 प्रवचनों की है, उसमें आया है, उसमें आया है कि पैसों में रो परम देवता और पत्नी है गुरुदेव और छोरा छोरी ठाकुर पूजा की करूं अब सेव। इसलिए तुम्हारा जो देहाभिमान है उससे तुम्हारे देहाभिमान से तुम्हारे देह के जो संबंध बने पत्नी बच्चे माता पिता भाई बहन नौकर चाकर कुटुंब कबीला इसमें तुम्हारी चेतना इतनी ज्यादा फंसी हुई है। तुम निराकार की साधना नहीं करते हो, तुम कहते हैं हम नहीं मानते हैं इनको, हम तो भाई उसको मानते हैं जो परमात्मा सब में व्याप्त है। अरे ये बात तो शास्त्र पढ़ के कोई भी आदमी कह सकता है, लेकिन जो परमात्मा सर्व में व्याप्त है वो तुम में व्याप्त नहीं है क्या? अगर तुम में व्याप्त है तो सदगुरु में व्याप्त नहीं है क्या? और सदगुरु में व्याप्त है तो तुम सदगुरु की बात न मानकर अपने मन की बात अभी तक क्यों मान रहे हो? मनमानी साधना क्यों कर रहे हो? एक मित्र ने कहा मेरे एक शिष्य से, वो भी मेरा शिष्य वो भी मेरे शिष्य, उनने कहा कि भैया मैं तो अपने मन की जो मुझे अच्छा लगता वो ही मैं करता हूं। इसका मतलब तुम्हारा मन जिंदा है और तुम अपने गुरु की बात सुनने को तैयार नहीं हो, तुम्हारा मन को जो अच्छा लगता है वो तुम करना चाहते हो। इसको कहते हैं देहाभिमान, क्योंकि देह का एब्स्ट्रैक्ट देह का सार, देह से सूक्ष्म वो तुम्हारा मन है, जैसे फूल से सूक्ष्म उसकी खुशबू है, जैसे गुलाब का फूल है उससे सूक्ष्म उसकी खुशबू है, ऐसे देह से सूक्ष्म तुम्हारा मन है, तुम्हारा मन तुम्हारे देह का ही एक प्रतिफलन है, एक वाय प्रोडक्ट है, और तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे मन का प्रतिफलन है, और तुम्हारा चित्त तुम्हारी बुद्धि मन दोनों का प्रतिफलन है, और तुम्हारा अहंकार तुम्हारे मन बुद्धि चित्त और तुम्हारे देह और इंद्रियों और तुम्हारे समस्त चेतन अचेतन और अवचेतन तीनों प्रकार का जो तुमने जगत निर्मित किया है, उस जगत निर्मित करने का जो काल्पनिक राजा है वह तुम्हारा अहंकार है। जब तुम देहाशक्ति से मुक्त नहीं हो पाते हो तो फिर तुम उस अहंकार से कैसे मुक्त होगे, जिसके पार में जाने पर परमात्मा है, जिसके पार जाने पर परमात्मा है। इसलिए अव्यक्त विषयक परमात्मा के जो निर्गुण निराकार निरंजन, जैसे कि नाथ संप्रदाय में कहते हैं अलख निरंजन, जैसे नाथ संप्रदाय में कहते हैं अदस्य देशवा देश विचरवा अदिति से रखवा चिया, बताइए अदिश कैसे देखोगे और अदिश देख के उसको विचार कैसे करोगे और अपना चित्त अदिशित चित्त कैसे रखोगे? तो जब तुम देह से मुक्त नहीं हो सकते तो मन से कैसे मुक्त? जब तुम मन से मुक्त नहीं हो सकते तो बुद्धि से कैसे मुक्त होगे? जब तुम बुद्धि से मुक्त नहीं हो सकते, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे गले की फांसी बन गई है, तुम्हारी बुद्धि तुमको ऐसे ऐसे कर्म करा रही है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। जब तुम बुद्धि से मुक्त नहीं हो सकते तुम चित्त की चिंतना से कैसे मुक्त होगे? तुम चित्त की चिंतना से मुक्त नहीं हो सकते तुम चेतना को कैसे जानोगे, उस कॉन्शियसनेस को कैसे जानोगे जो आत्मज्ञान के आत्मा के होने के कारण ही है। आत्मा नहीं हो तो कोई चेतना नहीं है, जैसे सूर्य नहीं तो प्रकाश नहीं। जब तुम उस चेतना को नहीं जानोगे, मन बुद्धि चित्त तीनों को से नहीं हट पाओगे, तो तुम्हें अहंकार रूपी कल्पना का राक्षसी दबोच के खा जाएगा। जैसे कि एक काजी साहब थे और उन काजी साहब का बड़े बहादुरी की बातें करा करते थे, तो एक मित्र ने कहा काजी जी अगर तुम इतने बहादुर हो तो एक काम करो कि रात को 12 बजे 12:30 बजे जाकर और जो कब्रगाह है जहां मुर्दे गड़े हुए हैं वहां जाकर ये 2 कीले ठोका। तो काजी ने कहा बिल्कुल ठीक, मैं ठोके आऊंगा। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर काजी जी गए और उस जमाने में वो मोटा खादी का कुर्ता पहनते थे जो घर का बना हुआ, हैंडलूम का, घर का हाथ से बना हुआ बड़ा मजबूत कुर्ता था,
और चूड़ीदार पजामा पहनते थे। तो क्या हुआ कि वो जब बैठे तो संयोग से उनका चूड़ीदार पजामा का नाड़ा और कुर्ता वो सामने गिर गया जहां पर वो खूंटा गाड़ रहे थे, और उन्होंने वो जो गलती से खूंटा अपने चूड़ीदार पजामा के नाड़े और अपना आगे जो कुर्ते का वो था कपड़ा उसमें गाड़ दिया, और दोनों खूंटे बड़े मजबूती से गाड़े। अब काजी जी के अचेतन में डर तो था ही, क्योंकि शमशान में भूत होते हैं ऐसा बचपन से उन्हें सिखाया गया था। जब काजी जी धीरे से उठे तो जैसे ही वो उठे ऐसा लगा जैसे किसी ने उनको पकड़ लिया। अब तो काजी जी को हार्ट अटैक हो गया, वहीं मर गए। ऐसे तुम्हारे अंदर के जो भ्रम है, तुम्हारा मन बुद्धि चित्त तुम्हारा देहाभिमान तुमको ऐसे ही पकड़े है, तो भ्रम के भूत के द्वारा भ्रम की भमर पड़ी है तुम्हारे अंदर। कहते हैं गुरु जी की पारख कोई न करी, पाप पुण्य की बांध गटरिया नरक की गैल धरी, गुरु जी की पारख कोई न करी। और तुम्हारा जो देहाभिमान है उस देहाभिमान के कारण इस अव्यक्त मार्ग पर, इस निराकार निरंजन मार्ग पर तुम्हारी गति होना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन साध्य है। भगवान कहते हैं दुख पूर्वक, बहुत दुख पूर्वक है, बहुत पछताओगे। सतगुरु के शरण को छोड़ना नहीं, बहुत पछताओगे। क्यों? कि इसके बाद फिर दुख ही दुख है। सतगुरु अमृत औषधि जगत मृत्यु आगार। भगवान स्वयं कहते हैं कि देखो इस सद्गुरु के मार्गदर्शन में जो साधना है बस वो ही कर लो, वो ही सरल है, और अन्यथा दुख पूर्वक अवाप्यते प्राप्त की जाती है। अब भगवान ये तो कह रहे हैं कि प्राप्त तो होती है, क्योंकि बुद्ध को हुई प्राप्त तो होती है, लेकिन इसकी प्राप्ति तुम्हारे बस की बात मुझे तो नहीं लगती, और लगे तो करो। अगर तुम्हें लगता है कि बिना गुरु के तुम जा सकते हो तो जाओ, लेकिन जो मेरा कहने का फर्ज है वो तो मैं कहूंगा, वो तो मैं कह के ही रहूंगा। मैं हाथ जोड़कर बड़े विनम्रता पूर्वक मेरे इस प्रवचन में अगर किसी को कोई ठेस लगी हो तो मैं क्षमा याचना करता हूं, क्योंकि जो सत्य है वो तो मैं कहना ही मुझे पड़ेगा। कृपया मेरे जैसे व्यक्ति को जो किसी जिज्ञासु से किसी से कभी कुछ नहीं मांगता, कोई कुछ देना चाहता है तो 10 बार उसे मना करता है, कृपया उसे उन ठगों से ना जोड़ो जो अपने दरबार में आने के 3500 रुपए लेते हैं। हाँ ये बात सही है कि शुरू शुरू में जब ये कैमरा लाना था जिसमें ये वीडियो बन रहे हैं तो कुछ भक्तों से प्रवेश शुल्क के हिसाब से 3000 3500 2-5 लोगों से लिए जरूर थे, तभी ये कैमरा आया, क्योंकि मेरे पास कैमरा लाने के पैसे नहीं थे। मैं जो कुछ कमाता जो कुछ मेहनत से लाता वो मेरे परिवार और मेरे घर में, यहां मेरा आश्रम है वहां उनको भोजन की व्यवस्था, क्योंकि जो लोग मेरी सेवा करते हैं उनका भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है, उनकी व्यवस्था के लिए ही पर्याप्त होता है, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि मेरा आश्रम है वो एक परिवार है, मेरा आश्रम है वहां मेरा भोजन जो बनाते हैं, मेरे वस्त्र जो धोते हैं, मेरी जो सेवा करते हैं, उनको मैं भूखा कैसे रख सकता हूं। जब मैंने देखा कि लोग थोड़ा सा कुछ कहने मात्र से भी जवान पकड़ते हैं, तब मैंने सबसे लेना ही मना कर दिया। अभाव में जीना मंजूर किया लेकिन उनसे लेना मना कर दिया, लेकिन फिर भी उन धन्यवाद उन भक्तों को देता हूं जो लाख मना करने पर भी, लाख लोगों के प्रचार करने पर भी मुझे परमात्मा के कार्य में मदद करते हैं, वो भक्त धन्यवाद के पात्र हैं। और वो भी भक्त धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने मेरी मदद की है, लेकिन उनका मन बुद्धि इतना ज्यादा इस माया से ग्रसित हो गया कि उनको जो नहीं करना चाहिए वो उन्होंने किया है। परंतु भगवान से प्रार्थना है, गुरुदेव से प्रार्थना है कि प्रभु आप सबको सद्बुद्धि देना, और सगुण साकार साधना के माध्यम से जाना बहुत सरल है, ये सबको समझाना और निर्गुण निराकार निरंजन को पाना बहुत कठिन है।
बहुत कठिन है, जब भी कहा है बहुत कठिन है डगर अपन घट की, और कैसे भर लाऊं मैं जमुना से मट की। ये निर्गुण निरंजन निराकार की साधना बहुत कठिन है, क्योंकि इसको तुम समझ नहीं पाओगे। जो तुम्हारा मित्र होगा उसको तुम शत्रु समझ लोगे, और जो तुम्हारा शत्रु होगा उसको तुम मित्र समझ लोगे। जो खेत में खर पतवार है उसको तुम फसल समझ लोगे, और जो फसल है उसको तुम खर पतवार समझ के उखाड़ कर फेंक दोगे। तुम्हारे अंदर तुम्हारा मन बुद्धि ये हमेशा वासना की तरफ तुम्हें धकेलना चाहता है। तुम वासना विषयक जो मस्ती की साधना है, मजेदार साधना है, उनमें तुम्हारा मन तुम्हें लगा देगा। और ये परमात्मा का जो ध्यान है, जो साक्षी का ध्यान है, जो थोड़े समय के बाद एक ऐसी शांति लाता है, जो शांति दुनिया में किसी चीज से आपको प्राप्त नहीं हो सकती, उससे दूर हटा देगा। क्योंकि सुबह थोड़ा थोड़ा शुरू शुरू में जब ये आप साधना करते हैं तो उसमें उबान आती है, उबान आपको लगता है मैं क्या कर रहा हूं ये, क्योंकि आप हजारों जन्मों से लाखों वर्षों से जो कुछ समाज द्वारा स्वीकृत है वही कर रहे हो। ये उल्टी गंगा है, ये प्रतिक्रमण है। जैसे जैन लोग प्रतिक्रमण करते हैं, पीछे की तरफ हटते हैं, ये पीछे की तरफ हटने की साधना है। और मन तुम्हें चाहता है कि तुम माया में और आगे आगे नए नए मजे लेने ले लो, नए नए रस लो। इसलिए ये साधना को ऐसा भी कहा गया है, हमारे यहाँ एक उदासी आश्रम था गुना में, उदासी आश्रम, इसके आश्रम को उदासी आश्रम भी कहते हैं, संसार से उदास हो गए। इसको वैराग्य साधना भी कहते हैं, संसार में कोई राग नहीं रहा। इसको इस साधना को करना तभी सरल है जब सदगुरु हो, और ये अत्यंत कठिन है यदि सदगुरु का सहारा नहीं लिया। मैं अपने सतगुरु के चरणों में प्रणाम करता हूं, उनकी मुझ पे बहुत कृपा है। और कभी मेरे सतगुरु आपको आज्ञा देंगे तो मैं आपको उनका नाम, पता, ठिकाना, स्थान और उनका फोटो सब बताऊंगा। लेकिन मैं अपने सतगुरु से बंधा होने के कारण अभी उनको, सतगुरु को, उनकी बिना आज्ञा के। और चूंकि आपको जरूरत क्या है, मैं पानी पिला रहा हूं ना आपको, मैं पानी पिला रहा हूं आपको, आप पानी पी लो। जब कोई व्यक्ति संन्यास लेने के बाद, क्या संन्यास लेने के बाद अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन छपवाए जाए, जैसे जैन समाज के जब कोई कार्यक्रम होते हैं, संन्यास दीक्षा होती है, बरगोड़ा निकाला जाता है, पैसे लुटाए जाते हैं, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के लुटाए जाते हैं, उस व्यक्ति का बहुत बहुमान होता है, उसको बिठाकर घोड़े पर घुमाया जाता है, दूल्हा जैसा घुमाया जाता है। ऐसा तो हमारे संसार संन्यास की कोई प्रक्रिया हमारे यहाँ है नहीं, ये कानों कान में दी जाती है बात। और ये जरूरी भी नहीं है कि कोई संत किसी को संन्यास देता हो और उस संत की मान लो स्थिति अच्छी मजबूत ना हो, उसके ही साथी उसका विरोध करते हो, तो उसको कैसे वो घोषणा करे कि मैंने इनको संन्यास दिया। और जब संन्यास है तो संन्यास तो अंदर का विषय है। मैं आपको बहुत अच्छे से कहूं, स्वामी ज्ञानानंद जी कहते थे सर्वनाशा स संन्यासा, जिसका अंदर से सब कुछ नष्ट हो गया वह संन्यासी है। और सब कुछ नष्ट होना मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का नष्ट होना, यही सब कुछ नष्ट होना है। सर्वनाशा स संन्यासा, संन्यास वस्त्र से नहीं होता, संन्यास दाढ़ी से नहीं होता, संन्यास तुम्हारा समाज माने इससे नहीं होता, संन्यास तुम्हें बहुत सारे दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन पे बहुत बड़े बड़े विज्ञापन, एक पेज के विज्ञापन दिए जाए, उससे संन्यास नहीं होता। संन्यास होता है आत्मज्ञान से, जिसको आत्मज्ञान हो गया है वो सन्यासी है, और नहीं हुआ है लेकिन जिसको सदगुरु कहे कि नहीं तुम आत्मज्ञान के लिए 100% संकल्पित हो जाओ, और तुमको हम सन्यास दे रहे हैं इसके लिए, आत्मज्ञान करने के लिए दे रहे हैं। हमने कुछ लोगों को सन्यास दिया, कैलाशानंद जी को दिया, एक उदाहरण देते हैं, अशोचानंद को दिया, नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर में दिया, कैलाशानंद जी को संन्यास दिया, कहां गौमुख में दिया, गंगोत्री से आगे गौमुख में दिया। क्यों दिया?
भगवा वस्त्र क्यों पहनाए, इसलिए पहनाए। दुल्हन को क्यों सजाया जाता है, शादी के लिए सजाया जाता है। किसी को संन्यास क्यों दिया जाता है, परमात्मा सच्चिदानंद अस्तित्व में पूरी तरह से समर्पित हो जाए इसके लिए दिया जाता है। अपने सदगुरु का पूरी तरह सहायक हो जाए इसलिए दिया जाता है संन्यास। संन्यास तुम्हें किसी नाम के अहंकार के लिए नहीं दिया जाता। संन्यास तुम्हें इसलिए नहीं दिया जाता कि तुम उस नाम को लेकर संन्यास देने वाले के बारे में, उसके विरोध में कोई खड़े हो जाओ, इसलिए संन्यास नहीं दिया जाता। इसलिए साधु संतों में यह परंपरा रही है कि एक गुरु रहा है जो दीक्षा गुरु होता है, एक गुरु रहा है जो संन्यास गुरु होता है, और एक गुरु रहा है जो ज्ञान रूप गुरु रहा है। ऐसा संन्यासियों में तीन तीन चार चार गुरु, जब अखाड़ों में किसी संत को बनाया जाता है तो ऐसे गुरु होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे संन्यासी हैं, मुझे उन पर गर्व है, उन्होंने पूरी ताकत से और इस साक्षी के ध्यान की साधना को किया है। मेरे संन्यासियों पर गर्व है मुझे कि वो जरूर आगे जाके आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे, क्योंकि मेरा संन्यास और मेरा आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होगा। हो सकता है कि पानी को ऊपर से कभी काई ढक ले, लेकिन कभी तो काई हट जाएगी और पानी की निर्मलता बाहर आ जाएगी। कभी कभी मन, कभी कभी अंतःकरण कोई विक्षेप लाता है और हम गलत मन के उस विक्षेप में, मन के उस छलावे में हम कभी कभी कुछ ऐसा करते हैं जो नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं है, करने का कोई मूल्य नहीं है, होने का मूल्य है। तुम हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तुम किसी भी गुरु के शिष्य रहो, तुम किसी का भी नाम लो, तुम किसी की भी सेवा करो, लेकिन मुझे प्रसन्नता होगी कि तुम ज्ञान प्राप्त करके और परमात्मा में समा जाओ, परमात्मा हो जाओ, तो मुझे बड़ी बड़ी खुशी होगी। तो समस्त संसार के जिज्ञासुओं को अपना प्रेम प्रेषित करते हुए, और ये जो प्रवचन है भगवान का, इस प्रवचन का समापन की ओर चलते हुए कहता हूं कि इंद्रियों के तल पर जीने से क्लेशों की अधिकता होती है और तरह तरह के क्लेश प्रत्येक इंद्रिय हमको देती है। जो आंखें होती हैं हमारी, आंखों से हम अरुचिकर देखने में मजबूर हो जाते हैं, तो वो अरुचिकर हम जो देखते हैं वह भी एक तरह का क्लेश है। कानों से हम शोर शराबा, जैसे पीछे अभी गरबे का अभ्यास होता है, ड्रम बजता है, जोर जोर से डीजे बजते हैं, कानों से शोर शराबा से हमको क्लेश होता है। कोई कटु वचन सुना देता है तो हमारे मन में ठेस लगती है। कोई रसना, कोई भोजन ठीक से नहीं बनता तो भोजन में स्वाद नहीं, खा नहीं सकते, तो वो भी एक क्लेश होता है। और जो कब्ज आदि वायु में विकार, पेट में विकार जो होते हैं, एसिडिटी होती है, अम्लीयता होती है, जलन होती है, ये भी एक तरह के शारीरिक क्लेश हैं। और युवा अवस्था में किसी का विवाह नहीं हो पाता और उसको उसकी ऊर्जा को मार्ग नहीं मिल पाता, ज्ञानी नहीं है लेकिन उसके पास कोई मार्ग नहीं है, तो उस प्रकार का भी क्लेश होता है। और कभी कहीं किसी अरुचिकर या गलत साथी के साथ विवाह हो जाता है तो वह भी एक क्लेश होता है। तो ये सारे जो क्लेश हैं, ये क्लेश के इंद्रियों पर आश्रित होने और त्वचा इंद्री का गर्मी सर्दी चुभन जलन तपन आदि का जो क्लेश है, अतः इंद्रियों से हटकर जीना ही इन सारे क्लेशों से मुक्ति है। और मानसिक क्लेश जो होते हैं वो मन के क्लेश होते हैं, वो विचारों के माध्यम से आते हैं। सामाजिक क्लेश होते हैं, जो समाज में आपकी जो आलोचना होती है, अपमान होता है, उससे आते हैं। आपको जो करना चाहिए वो आप कर नहीं पाते और समाज आपको रोकता है, समाज की अस्वीकृति से आपको वो क्लेश आते हैं। आप सहज बहना चाहते हो, समाज आपको अपने साइज में ढालना चाहता है, आप समाज से भयभीत है, आपको अपमान का भय है, आपको रहने से निष्कासन का भय है, आपको मारपीट का भय है, आपको कानून की कार्रवाई का भय है, आपको प्रतिष्ठा के गिरने का भय है, आपके परिवार जनों को दुख पहुंचे इसका आपको भय है, आपके बच्चों को
कोई कुछ कहे और आपके बच्चे बिगड़ जाएं, इसका दुख क्लेश है। आपके अनुजों के, आपके भाई बहनों के सामने आपकी इज्जत खराब हो जाए, इसका भय है। मन में जो भय है वो स्वयं मन तैयार करता है और उससे आपको क्लेश देता है। इसलिए मन से हटना साक्षी साधना में सिखाया जाता है। आपका क्लेश, आपके भय के कारण, आपकी मानसिक अशांति, आपके भयानक विक्षेप आपको आध्यात्मिक योग्यता को कुंठित कर देते हैं। आपकी जो आध्यात्मिक योग्यता होती है उसको कुंठित कर देते हैं, ज्ञान की स्थिति से आपको हटा देते हैं और वहां से आपको मन बुद्धि चित्त में ले आते हैं। और मन बुद्धि चित्त में लाकर जैसे किसी आदमी को किसी निर्जन स्थान पर ले जाके मारा पीटा जाए, ऐसे आपको वो संसार के क्लेश मारते पीटते हैं। और ये क्षुब्धता और मानसिक संतुलन से काम न कर पाना, ये अज्ञानी जो ध्यान नहीं करते उनके जीवन में अवश्य होता है। वो इंद्रिया मन बुद्धि चित्त के क्लेशों का शरीर पर प्रभाव होता है। शरीर में सिर दर्द होता है, शरीर में दिमाग की नस कभी फट जाती है, कभी दिल बैठ जाता है, कभी डिप्रेशन हो जाता है, कभी उदासी आ जाती है, कभी कोई आपके प्रेम में भाई मित्र, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके प्रेम में जब आपसे धोखा करते हैं, जब आपके अनुसार काम नहीं करके और आपके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, जब आपका अपमान करते हैं, तो ये आपको इतनी ज्यादा मानसिक विक्षिप्तता लाते हैं, आपका खून का थक्का दिमाग में जमने लग जाता है, आपको लकवा हो सकता है, आप पागल हो सकते हैं, आपको किसी भी चीज में मन नहीं लगता, आपको नींद नहीं आती, आपको भोजन करने में मन नहीं लगता। ये सारी बातें इस माया के क्लेश के कारण इसलिए होती हैं क्योंकि आप साक्षी का ध्यान नहीं करते। इसलिए इन क्लेशों को जो इंद्रियों के तलों पर जीने के कारण और अचेतन में जीने के कारण और अचेतन पर प्रभाव बुरे सपने आना, भय हिंसा आदि और उद्वेग जो आना, स्वप्न में कुछ उद्वेग आकर आपका नुकसान कर देना, आपका स्वप्न में जो नहीं होना चाहिए वो हो जाना, आपका शैया पर मल मूत्र का निकल जाना, ये इतना क्लेश होने के बाद भी आप ध्यान की तरफ नहीं मुड़ते। और भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि इन क्लेशों से यदि आप मुक्त होना चाहते हो तो आपको सद्गुरु का साथ सानिध्य में साधना करना चाहिए, अन्यथा ये निरंजन निराकार की साधना आप अगर स्वयं करेंगे तो बहुत कठिन है। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शुभ शुभ।